नमस्ते दोस्तों सुषमा रियल लाइफ ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत तो स्वागत है और मेरे छोटे भाई बहन को प्यार भरा आशीर्वाद और मेरे माता पिता मेरे बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं तो धनिया की पत्ती लहसुन मिर्चाई हमने पीस लिए हैं और जीरे का और हींग का तड़का दे दिए हैं सरसों के तेल में और जो मसाले पीसे थे हल्दी ऐड करके उसको हमने पका लिए हैं और इसमें उबले हुए मैश किए हुए आलू ऐड कर दिए हैं स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छे से हम पहले हाथ से इसको मैश मिक्स कर लेंगे और फिर चकली बना बना के आटा गूथे थे और इसमें हम भर देंगे तो आलू की पराठा बना रहे हैं और हल्के हाथों से हमें आलू के पराठे को बेला लेना है तो हम फटाफट से बना ले रहे हैं आलू का पराठा बच्चों को टिफिन में भी देना है तो पहले हम बच्चों को टिफिन में दे देंगे बना के और इसके बाद फिर हम घर के लिए बनाएंगे और एकदम देसी स्टाइल में बनाए हैं तो आप भी एक बार ऐसे जरूर बना के ट्राई करिएगा बहुत टेस्टी बहुत अच्छा लगता है खाने में यूपी स्टाइल में आप सभी भी एक बार ज़रूर बनाइएगा जो भी मेरे भाई बहन वीडियो में पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों मैं सिर्फ अपना जो डेली का रूटीन है मैं वही शेयर करती हूँ आप सभी से और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आता होगा तो खाना बनाने के बाद घर में मकड़ी के चाले दिख रहे थे तो हमने आज इसको साफ़ कर दिए हैं और पहले रूम में ही साफ़ कर रहे हैं इसके बाद चले फिर बरामदे में साफ़ करेंगे तो बर्तन अभी ऐसे ही पड़ा है सब काम तो पहले हम झाला निकाल लेंगे इसके बाद फिर हम बर्तन ले चलेंगे बर्तन धुलेंगे और अभी झाड़ू भी लगाना है और इस समय ठंडी दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं लगती है मेरे यहाँ और सुबह शाम थोड़ी लगती है तो इस समय ठंडी कम है और सब्जी भी बनाई थी मैं आलू का पराठा और सब्ज़ी तो सब्जी तो बच्चे नहीं ले गए थे बच्चे सिर्फ आलू का पराठा ले गए थे तो सब्जी ऐसे ही बना दी थी मैं कि अगर जिसका मन करेगा तो खाएंगे और नहीं मन करेगा तो आलू पराठा तो ऐसे ही खा लेते हैं और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो में कहीं भी कोई गलती हो तो हमें कमेंट में बताइएगा हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे बच्चे स्कूल चले गए हैं तो स्टैंड रख के मैं वीडियो एक क्लिप ले ले रही हूँ और बरामदे में रखे हैं हम बक्सा और यहाँ ड्रम भी रखे हैं तो ड्रम में कुछ है नहीं साइकिल टंगी हुई है बड़े बच्चों की साइकिल थी ये तो वो लोग चलाए थे अब अनाया अभी छोटी है तो रख दिए हैं और वो बड़ी हो जाएंगे थोड़ा तो ये साइकिल अब फिर अनाया चलाएंगी मैं भी गांव से हूँ दोस्तों तो सपोर्ट करिएगा और मेहनत तो कर रही हूँ वीडियो अपलोड करती हूँ वीडियो डालती हूँ और घर का भी काम करती हूँ तो साथ साथ यूट्यूब भी खोली चैनल छोटा सा तो आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और कुछ मेरे भाई बहन है वीडियो तो सब्सक्राइब करते हैं लेकिन फिर पता नहीं क्यों बाद में अन कर देते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसे मत करिएगा गांव से हूँ अगर आप लोग चाहेंगे आप लोग अपना प्यार अपना दुलार ऐसे ही बनाए रखेंगे तो हम गांव से हैं तो हम भी यूट्यूब पे सक्सेज हो सकते हैं आप सभी की दुआ की वजह से आप लोग अपना प्यार और दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं निवेदन करते हैं तो हम मकड़ी का झाला निकाल लिए हैं तो फिर हम रूम में झाड़ू लगा ले रहे हैं और बर्तन जो था उसको हम रख दिए हैं बाहर नल के पास धुलने के लिए और गोबर मिट्टी डालने लायक हो गया है घर क्योंकि धूल उड़ रहा है और गर्मी का मौसम अब आ रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी धूल लग जाता है उड़ने लगता है बहुत जल्दी क्योंकि घर में से ही आना जाना होता है तो जब कच्चे घर का फर्श है फर्श कच्चा है तो हो जाता है ऐसे अब आ गई हूँ मैं बरामदे में झाड़ू लगा रही हूँ और बरामदे में भी, भी लिपने लायक हो गया है तो जब मैं गोबर मिट्टी से लिपाई करूँगी तो आप सभी के साथ वीडियो शेयर करूँगी नमस्ते दोस्तों तो हो गया है मेरा काम झाला भी घर में से साफ किए हैं और जितना घर का था काम सब काम भी कर लिए हैं तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक, तक के लिए बाय बाय